बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 5.7A एक्सरसाइज, जो कि पेज नंबर 100 पे। पहला वाला सवाल पकड़ते हैं। आपने HCF जो है ना, डिवीज़न के ज़रिए मालूम करना है। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ कि जैसे मैंने पिछले कहा था ना, पिछले वीडियो में आपको मैं चीज़ें समझा रहा था। अब जब मैं ये ख़ुद से देख रहा था इसको कैसे करना है एक्सरसाइज को, तो कई मुझे चीज़ें नई पता चली हैं, पुरानी चीज़ों को री इन्फोर्स करने के लिए कुछ पॉइंट्स पता चले, तो मैं आपको बस साथ साथ इंशाल्लाह हाईलाइट करता जाऊंगा। तो इस तरह जब तक आप पहले वाला वीडियो जो कि टॉपिक को समझा रहा था प्लस ये एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें जब आप करेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह आपको पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आएगा। और ना सिर्फ अच्छे तरीके से समझ आएगा, बल्कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि होता है ना, चीज़ों में बस का वेरिएशंस आती हैं, ख़ास सिचुएशंस आती हैं, उन पे क्या करना है, स्पेशल केसेस आते हैं, तो वो भी हमें पता चलेंगे। लिहाजा आपके लिए ज़रूरी है कि आप जहाँ दोनों काम करें, टॉपिक को ज़रूर समझें पिछले वीडियो में, और ये एक्सरसाइज मुकम्मल करें, ताकि आपको ये ओवरऑल चीज़ के जिसमें आप HCF बाय डिवीज़न निकालते हैं, तकसीम के ज़रिए आयद आज़म निकालती है, पूरा का पूरा टॉपिक अच्छी तरह समझ आ जाए। अच्छा, ये है X³ प्लस 6X² प्लस 11X प्लस 6, और दूसरा वाला नंबर है X³ प्लस 9X² प्लस 27X प्लस है ये प्लस है। प्लस 27। आप देखें इनमें बड़ा कौन सा है, ये बड़ा, क्योंकि X³ दोनों में है, यहाँ पे 9X², यहाँ पे 6 है, तो 9 वाला हम बड़ा ले लेते हैं, उसको अंदर ले लेते हैं। X³ प्लस 9X² प्लस 27X प्लस 27, X³ प्लस 6X² प्लस 11X प्लस 6, ठीक है। तो X³ को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो X³ भी आ जाएगा ना, प्लस 6X² प्लस 11X प्लस 6, तो ये 3X² आ गया, ये प्लस 16X आ गया, और ये प्लस 21 आ गया, ठीक है। अब ये रिमाइंडर आ गया, अब आप फिर इसको उठाएं, यहाँ पे ले जाएं, X³ प्लस 6X² प्लस 11X प्लस 6। अब मेरे पास, जैसे मैंने टॉपिक मतलब इंट्रोडक्शन में समझाया था, मेरे पास दो चॉइसेस हैं। यहाँ मैं 3X² को 3X से मल्टीप्लाई करूँ, 1/3X से मल्टीप्लाई करूँ, जैसे मैं कह रहा था कि 1.3X से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरा ये X³ आ जाएगा ना। लेकिन ये 1/3 को हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल होगा, लिहाजा मैं इसको ना 3 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। सॉरी, ये लो मुझे इस्तेमाल करना है यहाँ। तो ये बन गया 3X³ प्लस 18X² प्लस 33X प्लस 18। अब मैं करता हूँ जी एक्स से मल्टीप्लाई, तो ये 3X³ हो जाएगा, 16X²
प्लस 21x, ये ख़त्म हो गया, या 2x2 यहाँ पे आ जाएगा 12x+8। अब मैं ये x2 आई, ये अब ये रिमाइंडर है तो 2 कॉमन निकाल लें, और 2 कॉमन निकालेंगे ना तो ये x2+6x+9 बचेगा। अब आप इसको इधर रखेंगे और इस टर्म को उठा के यहाँ ले आएंगे, 3x2+16x+21। तो 3 से ज़रब दूंगा मैं, 3x2+18x+27, ये कैंसिल होगी, ये -2x-6 आ गया। अब ये दोबारा से रिमाइंडर आ गया, छोटा है ना। अब देखें आपने क्या करना है कि इस चूँकि रिमाइंडर है ना, और इस टर्म को आपने इधर लेके आना, तो इसमें से ना कॉमन निकाले, आप -2 भी निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं। बेहतर है बुक की कन्वेंशन इस्तेमाल करें, -2 निकाल दें ताकि यहाँ पे रकम पॉजिटिव हो जाए, ये कन्वेंशन चल रही बुक में, याद रखिएगा। -2 जब बाहर निकाल देंगे ना तो यहाँ पे क्या बचेगा, x+3। तो x+3 को आपने डिवीजन के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये वाली रकम फिर आप उठ के इधर आ गई, x2+6x+9। तो इसे x से किया तो x2 हो गया +3x, 3x+9। अब फिर इसे 3 से किया तो ये 3x+9, रिमाइंडर 0 आ गया, बात ख़त्म हो गई। तो अब आप देखें फाइनल आंसर क्या आपका आया, ये वाला x+3। ठीक है, याद रखें यहाँ पे कन्वेंशन के मुताबिक -2 बाहर निकालें +2 की बजाय, ताकि बुक के साथ हम चल सकें, ये चीज़ पॉजिटिव वो बुक की इक्वल सॉर्ट ऑफ लाइक कन्वेंशन सी है। तो अगर ये बुक की कन्वेंशन, आई एम श्योर टीचर्स की भी कन्वेंशन होगी, ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई करें ताकि जो है ना उसको आसान हो करना। क्वेश्चन नंबर 2, वो है 2x³-9x² + 9x-7, और दूसरी टर्म है x³-5x² + 5x-4। इसको अंदर रखते हैं, 2x³-9x² + 9x-7। x³-5x² + 5x-4। तो 2 से ज़रूरत थी, सॉरी 2 है, 2x³ हो गया -10x² + 10x-8। यहाँ पे x² आ गया -x+1, x² - x+1। अब आप देखें छोटा आ गया तो ये रिमाइंडर आ गया, तो इसको जनाब आप इधर रखें, इस टर्म को आप उठा के इधर लेके आए, x³-5x² + 5x-4। तो ये आपका 1 आ जाएगा इधर, सॉरी x 1 आएगा। तो x² को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि x³ बनेगा, x से ही करूँगा ना। अब इस x इसके साथ किया है -x² + x,
-4x² प्लस सिक्स, नहीं प्लस 4x माइनस 4, तो -4 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो -4x² प्लस 4x माइनस 4, तो ये ख़त्म हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया ये। अब मैं ना इस सवाल को एक नया एंगल देने लगा हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो कि इस टॉपिक को मज़ीद समझना चाहते हैं और वो डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ तक रुकना चाहते हैं तो बेशक वीडियो को स्किप करके आप आगे जा सकते हैं। आप में से कुछ लोग आर्गुमेंट कर सकते हैं कि भाई आप हमेशा, सॉरी इसका मैं डिलीट करूँ जो ऊपर नहीं जाना चाहिए था, आप हमेशा इसको आप बड़ा करार दे रहे हैं, इसको छोटा करार दे रहे हैं, क्योंकि जी ये 2x³ है या x³ है तो ये आप कह रहे हैं बड़ा है। लेकिन भाई एक्स की वैल्यू कोई नेगेटिव भी तो हो सकती है ना, कोई ऐसी चीज़ पॉसिबल हो सकती है ना कि जिसमें एक्चुअली ये छोटा हो ये बड़ा हो, ठीक है, कोई एक्स की ऐसी नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू का तो अभी हमें नहीं पता, तो क्या पता है ये छोटा हो, क्या पता है ये बड़ा हो। मैं कहता हूँ जी ठीक है, मतलब बात में वजन है, तो क्या उसको उल्टा करके देखेंगे, यानी कि x³ -5x² प्लस 5x माइनस 4, इसको अंदर रख के देखें, और जनाब 2x³ -9x² प्लस 9x -7, इसको बाहर रख के देखें, तो क्या जवाब मुख्तलिफ आएगा, करके देखते हैं। अब ये 2x³ -9x² प्लस 9x -7, और चीज़ों को मैं थोड़ा सा आप जो पिछले वाले कॉन्सेप्ट थे चाहे जो टॉपिक के इंट्रोडक्शन में, उनको ज़रा रीइंफोर्स करने के लिए मैं ना इसे गो के इससे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे लिए ज़रा आसान हो जाएगा। मैं कहता हूँ जी नहीं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। हम टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वक्त, थोड़ा सा मैं हट के बुक से चल रहा हूँ। तो भाई 2x³ को मैं किससे ज़रा दूंगा कि x³ बनेगा 0.5 से, तो ये क्या बन गया x³। अब 0.5 को -9 से ज़रब दूंगा तो -4.5x² आ जाएगा। 0.5 को +9x से ज़रब दूंगा तो +4.5x आ जाएगा, ये x² है सॉरी। और -7 को 0.5 से ज़रब दूंगा तो -3.5 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं साइन चेंज करता हूँ, ये और ये ख़त्म हो गया। -5x² और +4.5x² जवाब आया 0.-0.5x², ये प्लस एक्स है, ये माइनस +5x है, -4.5x है, जवाब आया +0.5x। अच्छा जी ये है -4, ये है +3.5, जवाब है जी -0.5। अब आपको ये तो पता ना कि जब ये रिमाइंडर आ गया, ये तो अब छोटा ना ऐसे वाकई रिमाइंडर है। अब आप इस रिमाइंडर में देखें कि 0.5 कॉमन है, अब ये तो आप बाहर निकालें, क्योंकि ये तो बड़ा लॉजिकल सा हमने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि इसको निकाल देना, कांस्टेंट को निकाल देना चाहिए। और अगर हमें कांस्टेंट को निकालना है तो चॉइस ये है कि सिर्फ 0.5 को निकालें या -0.5 को, तो बेहतर ये है कि -0.5 को निकालें। अगर आप -0.5 को निकालते हैं तो ये x² हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ रख के इसको अंदर लेके आए 2x³ -9x² +9x -7, तो x² को मैं किससे ज़रा दूंगा, अगर 2x³ बनेगा 2x से, 2x³ -2x² +2x, ये ख़त्म हो गया, ये -7x² आ गया, ये +7x आ गया, ये -7। अब मैं x² को किससे ज़रा दूंगा कि -7x² बनेगा, -7 से। अब -7 किससे ज़रा दी तो -7x आ गया, सॉरी प्लस, सॉरी +7x, -7 को +1 से ज़रा दी -7, ये ख़त्म हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, x² -x +1।
अब आप देखें क्या इस जवाब में और इस जवाब में कोई फ़र्क है? नहीं। लिहाजा ठीक है, कन्वेंशन बुक की यह है कि आप बड़ी रकम इसको कंसिडर करें और इसको बाय रखें और सवाल को हल करें, लेकिन चूंकि हमें एक्सी वैल्यू नहीं पता, अगर आप इसको भी अंदर रख के करते हैं, जब स्पेशली ये सेम इनका कॉफिशेंट है, एक्स क्यूब है और ये भी एक्स क्यूब है, लेकिन यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो इस केस में अगर आप इसको भी अंदर रख के करें जैसे कि हमने किया, जवाब सेम ही आया। लेकिन मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि बुक के तरीके को फॉलो करें ताकि आपके नंबर पूरे आएँ, कोई ऐसा ना हो कि आपके किसी एग्ज़ाम में आपके कोई टीचर भी चलो आपके नंबर वंबर काट दें। ठीक है, इसको इस तरह रख के करें। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक्स 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x² और दूसरा है एक्स 4 माइनस 9x². अच्छा, अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें देखें कि इस रकम में भी एक्स स्क्वायर कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। ठीक है, लिहाजा आप यहीं से इनमें से एक्स स्क्वायर निकाल दें, और चूंकि दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा है, आपके जो फाइनल आंसर आएगा ना, उसमें आपने एक्स स्क्वायर को उससे मल्टीप्लाई करना। मैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ। भाई देखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो इधर कॉमन फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन है बाहर निकाल दें, और इधर भी एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, ये दो अब चीज़ें आ गई। अब देखिए, दोनों के अंदर एक्स स्क्वायर है, लिहाजा आपने पार्ट ऑफ द एचसीएफ मालूम कर लिया, वो है एक्स स्क्वायर। बाकी क्या आता है वो यहाँ से पता चलेगा जब उनको तकसीम वगैरह करेंगे। लिहाजा फाइनल आंसर में आपने एक्स स्क्वायर को इस्तेमाल करना है, और जो बाकी जो चीज़ है वो हम अभी ढूंढते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 या एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो अब हम जनाबे वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को अंदर रख लें। अगेन आप मुझसे आर्गू कर सकते हैं कि भाई इसको अंदर रख लें, लेकिन हम बुक की कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, ये बड़ा है इसको अंदर रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया। ये आ गया जनाब एक्स प्लस 3। अब एक्स प्लस 3 बाहर और अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब आप एक्स को एक्स से ज़रब देंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस 3x, तो माइनस 3x माइनस 9। -3 -3x -9, तो आपका आंसर ये आ रहा है एक्स प्लस 3। अब याद रखें, ये एक्स प्लस 3 पार्ट ऑफ द आंसर है। आपने इस एक्स प्लस 3 को यहाँ लेके जाना है एक्स प्लस 3 में, तो आपका ओवरऑल आंसर आता है एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 3, जिसको आप खोल के अगर चाहें तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3 एक्स क्यूब सॉरी एक्स क्यूब प्लस 3x² लिखेंगे। ये आपका एच सी एफ है। ये चीज़ समझ में आ गई ना लॉजिक, कि भाई आपने एच सी एफ निकालना है। एच सी एफ वो चीज़ होती है जो दोनों टर्म्स में हो, कॉमन हो, डिवाइज़र हो, ठीक है, और दोनों में कॉमन हो। तो इसमें हम देख रहे हैं एक्स स्क्वेयर है, इसमें भी है, लिहाजा हम एक्स स्क्वेयर निकाल लेते हैं बाहर, और बाकी हिस्से से हम बाकी जो टर्म बचती है उससे हम बाकी जो दूसरा वाला कह लें, दूसरा नहीं बल्कि जो पार्ट ऑफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो निकाल लेते हैं। तो वो निकाला हुआ एक्स प्लस 3 आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकलता होता और यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि एक्स ही कॉमन निकलता, यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि एक्स क्यूब माइनस 9x होता, ऐसे एक्स क्यूब माइनस 9x निकलता, तो फिर यहाँ पे अब चूंकि यहाँ एक्स है यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो कॉमन चीज़ क्या होती, एक्स, तो फिर आपका आंसर जो है ना वो यहाँ पे एक्स आता, तो ये एक्स इंटू एक्स प्लस 3 उस वक्त फिर ये आंसर होता। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे एक्स ही निकलता ना,
दोनों में कॉमन चीज़ को लेते हैं तो कॉमन फिर यहाँ एक्स है या एक्स स्क्वायर है तो कॉमन तो एक्स ही आता है ना, तो ये चीज़ भी ज़रा ज़हन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी कुछ गड़बड़ कर रहा है ये पेन मेरा। एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 4x - 8, और दूसरा है 2x³ प्लस 7x² प्लस 4x - 4। तो 2x³ प्लस 7x² प्लस 4x - 4 अंदर, और x³ प्लस 2x² माइनस 4x - 8 बाहर। तो इससे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, देख लें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है ना, नहीं इसमें भी कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। 2 से मल्टीप्लाई किया 2x³ आ गया, प्लस 4x² माइनस 8x - 16, तो ये 3x² आ गया। यहाँ पे प्लस 12x आ गया, यहाँ पे प्लस 12 आ गया। अब ये रिमाइंडर बन गया। अब देखिए 3 कॉमन है ना, तो 3 को बाहर निकाल दें तो बाकी x² प्लस 4x प्लस 4 बच गया। अब इसको ऐसे रख के तो आप जनाब ये जो चीज़ है ना इसको इधर लेके आए, तो यही x³ प्लस 2x² माइनस 4x - 8। तो एक्स को मैं एक्स ये x² को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो x³ हो जाएगा, प्लस 4x² प्लस 4x, ये ख़त्म हो गया। ये माइनस 2x² माइनस 8x माइनस 8, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 2x² माइनस 8x - 8 ख़त्म हो गया। तो हमारा आंसर आता है x² प्लस 4x प्लस 4 HCF। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। ये सवाल थोड़े से लंबे हैं, वीडियो की हम ज़रा लेंथ को जो है ना वो मुख्तसर रखेंगे, तो बाकी सवाल अगले वीडियो में इंशाल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।